आपको गाजर ले लेना है, 2 से 3 गाजर ले लेना है, उसको उबाल देना है। उबालने के बाद उसको मसल देना है, उसको मसल के बारीक कर देना है। बारीक करने के बाद उसमें दो दो चम्मच 2 से 3 चम्मच आपको शहद उसके अंदर डाल देना है। शहद डालने के बाद आपको उसी का सेवन करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा, आप लोगों का जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप इसे देख रहे तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ, आपको बताने के लिए। दोस्तों आप इसको देख लो और पहचान लो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपके छाती में दर्द होता है, आपके सीने में दर्द होता है, तो उस दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए एक छोटी सी औषधि लेके आए हैं। उस औषधि का आपको इस्तेमाल करके अपने छाती के दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना है। दोस्तों आपको पता है कि अगर आपके आपके सीने में जो दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बिल्कुल दर्द होने लग जाता है। और हमारे बहुत से भाई हैं ऐसे हैं कि जिनके छाती में हल्का हल्का दर्द हमेशा रहता है। तो दोस्तों अगर आपके छाती में दर्द है, तो जो औषधि मैं बता रहा हूँ, इस औषधि का आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके आप अपने छाती के दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और जिस प्रकार से आपको औषधि बताई जाती है उसी प्रकार से उसका सेवन करना है, तो आपके छाती का दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाला है। दोस्तों अगर आप बहुत सारी दवा करा करा के आप परेशान हो चुके हैं कि आपके छाती का दर्द बिल्कुल जड़ से नहीं खत्म हो रहा है, आपके छाती के दर्द में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100% इस वीडियो को देखने के बाद आपके छाती का दर्द जो है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। जो औषधि मैं बता रहा हूँ इसका सेवन आप करोगे तो 100% आपकी छाती का दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। इस औषधि को आजमाया गया है, लाखों लोगों ने इस औषधि को आजमाया। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि इस औषधि में कितना ज्यादा गुण होते हैं, औषधि गुण कितना ज्यादा होता है, और बहुत सारी लाखों बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की क्षमता होती है इस गाजर में। दोस्तों आपको पता है कि विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है गाजर के अंदर, तो दोस्तों उसी प्रकार से इसमें ऐसे ऐसे गुण हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकता है ये जो गाजर है। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपके छाती में दर्द हो रहा है, आपके घर में किसी के छाती में दर्द हो रहा है या सीने में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो आप गाजर देख रहे हो, गाजर का ही सेवन करना है। और गाजर का सेवन कैसे और कब करना है, दोस्तों आप इसका सेवन आप कभी भी कर सकते हो, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, लेकिन आप उसका सेवन कैसे करना है, आपको गाजर ले लेना है, 2 से 3 गाजर ले लेना है, उसको उबाल देना है। उबालने के बाद आपको उसको मसल देना है, उसको मसल के बारीक कर देना है। बारीक करने के बाद उसमें दो दो चम्मच 2 से 3 चम्मच आपको शहद उसके अंदर डाल देना है। शहद डालने के बाद आपको उसी का सेवन करना है। दोस्तों 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दोस्तों आपको मजाक लग रहा होगा कि ये मजाक कर रहे हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है, दोस्तों ये मजाक नहीं, ये 100% आजमाया हुआ नुस्खा है। आप आजमा के देखिए एक बार, इसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कितना कारगर नुस्खा है। दोस्तों ये औषधि जो मैं बताया हूँ ये 100% वर्क करने वाला है, 100% काम करने वाला नुस्खा है। आप इसको एक बार मेरे कहने से जरूर आजमा के देखिए। दोस्तों इसका सेवन आपको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है। 1 हफ्ते तक आप इसका सेवन करेंगे, 2 से 3 दिन तक सेवन, 2 से 3 दिन आप इसका सेवन करोगे तो आपके सीने का जो दर्द है, आपके छाती का जो दर्द है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और आपको 1 हफ्ते तक करते करते आपके छाती का दर्द जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और 1 हफ्ते में अगर आपकी छाती का दर्द नहीं खत्म होता है तो आप इसका 15 से लेके 21 दिन तक इसका सेवन करिए। इसका सेवन 21 दिन तक अगर कर देते हो आप, तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके छाती का दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये रही आज की जानकारी। जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके और वो भी इस औषधि का लाभ ले सके। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।